सभापति महोदय, मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 यद्यपि सदन में 18 दिसंबर 2014 को पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में लंबित होने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति को इस पर एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था। उसके उपरांत यह विधेयक पुनः इस सदन में पारित होने के लिए आया है। 18 दिसंबर 2014 को माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस संशोधन विधेयक के बारे में अपनी बातों को इस सदन में रखा था और अत्यंत उपयोगी बातें उस समय माननीय मंत्री जी ने कही थी। सड़क परिवहन के क्षेत्र में माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का एक लंबा अनुभव है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है और उनके नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय जिस तेजी के साथ जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है वह अभिनंदनीय है और सराहनीय भी है। यह विधेयक के तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने उस पर विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वह मानवीय है। आज के समय में व्यक्ति ताकत लगा करके रिक्शा खींचे यह एक अमानवीय है और उस अमानवीय दृष्टिकोण से हट करके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वमेव जयते की जो बात कही गई थी, देश के उस मजदूर वर्ग के सर्व के प्रति एक जय के प्रश्न पर यह विधेयक, संशोधन विधेयक अपने आप में उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ई रिक्शा अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश के बड़े बड़े शहरों में तो कुछ हद तक ठीक चल रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वह ठीक है, लेकिन जो मध्यम और छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है या है ही नहीं। वहाँ पर हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलते हैं या फिर हम दिल्ली या मुंबई या फिर चेन्नई या कलकत्ता में ही देखेंगे, वहाँ पर हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी हैं, पेट्रोल से चलने वाले थ्री व्हीलर भी हैं और अन्य प्रकार से अव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि हम लोग जब उस दुर्व्यवस्था को वहां पर देखते हैं, एक तो प्रदूषण का कारण बनता है, दूसरा हाथ से उन गलियों के अंदर चलने वाले जो रिक्शे हैं वह बड़े ही अमानवीय होते हैं। चढ़ाई में एक बुजुर्ग व्यक्ति कैसे तीन सवारी चार सवारी को लेके जाता है वह दृश्य बड़ा ही अमानवीय होता है। और मुझे लगता है, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इसके मानवीय पक्ष को, पर्यावरण के पक्ष को ध्यान में रख करके उन्होंने संशोधित विधेयक को दिल्ली हाईकोर्ट के रोक के बावजूद संसद में ला करके एक मानवीय कार्य किया है और निश्चित ही वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को इसको अवश्य उस बात के साथ जोड़ना चाहिए जिससे एक रिक्शा चालक को उसका स्वयं का ई रिक्शा उपलब्ध हो सके। और यह आश्वासन इस सदन को माननीय मंत्री जी ने उपलब्ध दिया भी था। बड़ी रुचि माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में है और उन्होंने इसके बारे में अनेक जगह अध्ययन भी किया है। अब हमें केवल चीन से ला करके यहां पर असेंबल नहीं करना पड़ेगा बल्कि उसका उत्पादन भारत के अंदर ही होगा और भारत के अंदर ही भारत से निर्मित और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया के उस सपने को साकार करने का एक अच्छा माध्यम हम लोगों को ई रिक्शा के माध्यम से मिलेगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के विधेयक
जो मानवीय दृष्टिकोण से उचित हों, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, क्योंकि हमारे जो शहर हैं, पुराने शहर, मुख्य सड़कें भले ही चौड़ी होंगी, लेकिन अगर शहर के अंदर भाग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ संकरी गलियाँ होती हैं, वहाँ पर बड़े वाहन नहीं चल सकते, वहाँ पर रिक्शे या थ्री व्हीलर चल सकते हैं, और उसके लिए जो ई रिक्शे की व्यवस्था की गई, एक तो उसकी गति सीमित की गई है, 25 किलोमीटर के हिसाब से वो चलेगी, दूसरा उसमें सवारी की संख्या सीमित होगी, और तीसरा वह पॉल्यूशन फ्री होगा, तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए यह एक स्वागत योग्य कदम है, हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा, इस देश में आज भी आरटीओ की जो प्रणाली है, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि आरटीओ के भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो सके, और मुझे लगता है कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कभी भी जाते हैं देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट इस देश के अंदर, लाखों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, और बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि आरटीओ के नाम पर चेक करने के लिए जगह जगह गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, और वह वहां पर बड़े अमानवीय तरीके से वहां पर कार्य करते हैं, उत्पीड़न का कार्य करते हैं, मनमाना धनादोहन करते हैं, और मैं तो राज्य सरकारों की उस कार्य प्रणाली को देखता हूं कि जहां पर आरटीओ की नियुक्ति पर लाखों लाख रुपया एक आरटीओ की नियुक्ति करने पर वहां पर राज्य सरकारों के माध्यम से उन अवैध नियुक्तियों के लिए वहां पर धन उनसे लिया जाता है, तो कम से कम जो आपने आरटीओ फ्री की बात कही है, इस लाइसेंस की प्रणाली को ऑनलाइन करने या फिर आधुनिक जो हमारी जो सिस्टम है, आधुनिक व्यवस्था के साथ कैसे हम उसको जोड़ करके इस व्यवस्था का लाभ आम नागरिक को दे सकें, आम मजदूर को दे सकें, समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे दे सकें, इस पर भी अवश्य विचार होना चाहिए। मैं आपके द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ, एक मानवीय, पर्यावरण के अनुकूल और समाज के अनुकूल, सरकार की मंशा के अनुरूप इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद।